नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सुनी बनो। मैं हूँ आपके साथ पूनम। लालकुआ स्थित निर्मल कॉलोनी में सोमवार को घर पर सो रहे 10 वर्षीय बालक को सांप ने डस दिया। परिजनों ने लालकुआ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। निर्मल कॉलोनी निवासी अतुल कुमार का 10 वर्षीय बेटा देवराज अपने घर पर सो रहा था। इस दौरान उसे जहरीले सांप ने काट लिया। उसे उठाने को उसके पिता ने आवाज दी, पर वह नहीं उठा। इसके बाद परिजन उसे सोमवार शाम करीब 4 बजे लालकुआ PHC ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची लालकुआ कोतवाली पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए हल्द्वानी मोर्चरी भेज दिया है। वहीं गौला रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी चंदन सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए टीम को मौके पर भेजा है। यदि बालक की मौत सांप के काटने से हुई है, तो परिवार को विभाग की ओर से निर्धारित मुआवजा दिया जाएगा।